पिछले साल मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत जन सेवा मित्रों को जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक लाभ पहुंचाने हेतु भर्ती की गई थी। अब बिना सूचना के हटाए गए 3,000 जन सेवा मित्र बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर धरना दिया। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन सेवा मित्रों को स्थायी रोजगार देने की घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री प्रदेश इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 3,000 जन सेवा मित्रों को जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने के लिए तैयार किया गया था। इस काम के लिए इन सबकी भर्ती की गई, लेकिन अब बिना सूचना दिए जन सेवा मित्रों को अचानक हटा दिया गया है। 3,000 जनसेवा मित्र एकदम बेरोजगार हो गए, जिससे कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों का कहना है कि हम मामा से मिलकर जाएंगे, जब तक मामा नहीं मिलेंगे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। ये सारे जनसेवा मित्र भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के सरकारी निवास पर धरने पर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू किया था जिसके अंदर 9,300 जनसेवा मित्र को नियुक्त किया था। उस योजना को जो है बिना बताए बंद कर दी गई, जिससे हमारे बीच में रोजगार का खतरा आ गया है। न केवल 9,300 जनसेवा मित्र, उनके परिवारों के बीच भी जो है रोजगार की एक विकट परिस्थिति और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सभी तरीके के रिजल्ट, हम सब रोजगार से सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे रिजल्ट भी रुके हैं। प्रदेश सरकार ने फॉरेस्ट पुलिस पटवारी जैसा रुका है हमारा। जितने भी हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से, बार मामा जी ने कहा कि आप कभी भी आइए, मेरा दरबार खुला है। तो हम बस मामा जी की बात को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। जैसे हमें अंदर से हमने उनके पी जी से जहाँ हमें सूचना मिली कि वो 3 बजे तक आएंगे, हम 3 बजे ये हमारा मांग पत्र सौंप के शांतिपूर्ण तरीके से हम घर वापस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।